ट्रेनर्स ना सट गए थे बस। जो हेट कमेंट्स करती है कौन है वो? तो वही पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये खरीदने वाला हूँ मैं। पहनचोदा क्यों खाना चाहिए? बॉडी ऐसे बनती है। अब हफ्ते में एक दिन खा के बॉडी बना लोगे? ले ले अंदर। तो भाई आज संडे है, आज डैडी के कहने पे परोंठे खा रहे हैं। डैडी परोंठे क्यों खा रहे हैं? इस समय पहनचोदा क्यों खाना चाहिए? दबा के अभी तेरी उंगली क्यों काली मिर्च पाई चीनी पाई खोल के गरम चल अंदर। तो भाई अभी सब पच जाता है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो खाना चाहिए दबा के। आज संडे है, आज की ब्रेकफास्ट अपना ओट्स हटा के ये खाते हैं, फिर जिम में मिलते हैं आज। भाई मज़ा आ गया आज परोंठे खा के, बड़े टाइम बाद खाए हैं। और पहले गेनिंग नहीं चल रही थी तो थोड़ा देख देख के खा रहे थे, अब तो मज़ा आ रहा सब खाने में। वेलकम बैक, दिस इज आरुष बोला। और आज की वीडियो में सबसे पहले खाए आलू के परांठे और मज़ा आ गया। सबसे पहले ये कह दूँ कि भाई लोगों को लगता है आलू के परांठे बहुत अनहेल्दी है, खाएंगे तो फैट आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ थोड़ी कैलरीज ज़्यादा होती है क्योंकि अगर देसी घी वगैरह में बनता है फैट ज़्यादा डल जाता है। बट जो तुम ये मैकडी के बर्गर खाते हो, होल व्हीट ब्रेड खाते हो, उन सबसे बढ़िया है क्योंकि इसमें क्या है, आटा है घर का, देसी घी है, हेल्दी फैट, और बॉइल्ड पोटैटो होती है, तो उसमें क्या ही गलत है। थोड़ा घी कम लगा लोगे, कैलरीज कम हो जाएंगी, तो आप इसको ऐड कर सकते हो और खा सकते हो। तो आज खाए आलू के परांठे, मज़ा आ गया। अपना इंडियन फूड खा के तो आपको पता ही है कैसे फुलनेस आ जाती है एक, तो खाए है। अब आज है संडे तो जिम जाए ना जाए ये चल रहा था, बट जाएंगे क्योंकि दिवाली में छुट्टी हो चुकी है और अब नहीं जाएंगे फिर ना, बड़ा अजीब सा लगता है, खाली बड़ा लंबा दिन लगता है मेरे को बिना वर्कआउट के। तो जाऊँगा, शोल्डर और ट्राइसेप करेंगे, जो वर्कआउट करूँगा वो आपको दिखाऊँगा। आज हमारे साथ आने वाला है आशिक, तो कौन सा आशिक है आपको दिखाता हूँ। कार्ब्स और फैट तो भर के आ गए थे परांठों में, बट प्रोटीन मिसिंग था। ऐसे बैलेंस करना सीखो। तो दो आशिक मिल चुके आज पटेल नगर में। कौन कौन? इसके तो काफी रेट हाई हो गए थे, इसकी बहुत रेट हाई करके बैठा है। जिम चलेगा या आज बोले? तो भाई पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं डंबल प्रेस, पहले वार्म अप कर चुके अच्छे से। यही करा दिया मेरी फोन ठीक। रील क्या यूट्यूब पे बता दिया भाई। ओ भाई पीछे जा रहा है। माय हेटर्स।
तो भाई आपको लग रहा होगा दो जिम में वर्कआउट क्यों करा है, उसका रीज़न मैं खाने पीने के बाद बताऊंगा। अभी खाने पीने आए हैं, 0 डिग्री, नया खुला करोल बाग में, देखो खुल्ला डुल्ला बहुत बड़ा। तो खा पी के आपको बताता हूँ कि हमने दो जिम में वर्कआउट क्यों करा, डगार मार के देखना जरूर। और जिम का एक्सपीरियंस बताए एक बार भाई। वर्कआउट करने गए थे यहाँ पे तो अपना ड्रॉप सेट के लिए डंबल निकाले, कह रहे हैं उसी टाइम ही रिलैक्स कर दो। हुआ क्या, यहाँ के ट्रेनर्स ना सट गए थे बस, और कुछ नहीं हुआ। ज्यादा वेट मार यहाँ पे हम मार रहे थे 40-40 से डंबल प्रेस, वो उनसे रोइंग भी नहीं होती होगी, तो जाके शिकायतें लगाने लग गए। जैसे क्लास में होता है ना, मॉनिटर बनते हैं और टीचर के पास जाते हैं, बस वही स्लैम कर रहा था, आप वेट स्लैम कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। तो भाई बड़ा ही टट्टी जिम है ये, पूसा रोड वाला, एनी टाइम बड़ा ही टट्टी जिम है भाई। आना ही मत भाई, आना ही मत, कोई जिम में ऐसी कंप्लेंट नहीं आई। 10 साल से ऊपर हो गया, हर जिम में गए हैं, लेकिन ये जिम के अलग ही नखरे हैं, पता नहीं क्या। यहाँ पे ये मैं आओ ढाई ढाई के डंबल खेलो और चले जाओ, बस वही है। अगर आप वो तो कर लो, रिस्ट बैंड पहन लो, बैग ले लो बहुत सारे, उसके अंदर प्री वर्कआउट वर्कआउट डाल के। अगर आप वो तो यहाँ पे आ जाओ, अगर वो नहीं हो आपको वर्कआउट करना है तो इस टट्टी जिम में कभी मत आना। यहाँ पे करोल बाग में 50 मीटर के अंदर एक अच्छी चीज़ है एक बुरी। अच्छी क्या है, 0 डिग्रीज खुला है नया, ये खरीदने वाला हूँ मैं, 0 डिग्रीज खुला है नया, तो बहुत बढ़िया खाना था, मज़ा आया। और भाई बता, भर के खाया, बिल आया 600 कुछ, बहुत सस्ता था और टेस्टी बहुत था, टेस्टी भी बढ़िया था। अब बात करते हैं जिम की, ये बेंचो इतना गंदा जिम है, एनी टाइम फिटनेस पूसा रोड। यहाँ पे हमने आधा वर्कआउट करा खाली, आधा वर्कआउट दूसरे जिम में जाके करना पड़ा क्योंकि शोल्डर कर रहे थे और 3 बार टोक दिया इन्होंने, सर प्लीज़ वेट दोबारा वहाँ रख दो, सर स्लैम मत करो, अबे सर एक साथ वेट इकट्ठा मत करो, मैं ड्रॉप सेट कर रहा हूँ, 20 का रखा डंबल, 10 का रखा, 15 का रखा, उसमें भी इनकी हालत टाइट हो गई। यहाँ पे कोई वर्कआउट करने वाला बंदा है, अपना भाई है, तो यहाँ बिल्कुल मत जाना, चूतिया जिम है, किसी अच्छे जिम जाओ, एनी टाइम को बैन कर दो, जनकपुरी वाला छोड़ के वो बढ़िया है। बल्किंग खाओ, पसंद नहीं आया यहाँ पे कुछ, अब खाएंगे शोरमा। चले भाई, चलो भाई। ये बैंचो एक अपना कबाब में हड्डी बिल्कुल होता है, हम दोनों अच्छा खासा चिकन खा रहे थे, ये बैंचो पनीर ले लो वो गलत बात है, वेज बंदे को कभी अपने साथ नहीं घुमाना चाहिए, चिकन नहीं खाना चाहिए यार, किसी को मार के खा रहे हो। साले अंडे क्यों खाता है, अंडे क्यों खाता है, अंडे में मार थोड़ी ना रहो, मार थोड़ी ना रहे तू, साले बच्चे को मार दिया तूने, माँ को खा ले उससे बढ़िया, तो किसी की माँ को दुख ज्यादा होगा जब उसका बच्चा मरेगा, उसको खुद मार के खा लो, माँ को ही मार दो। हाँ, माँ ने तो चल जिंदगी देख ली थोड़ी बहुत, बच्चा अभी जिंदगी में आया भी नहीं, तूने साले उसको खा गया। अंडे में ऐसे प्रोसेस्ड होते हैं यार, बियर दारू नहीं है। चिड़िया चढ़ी पेड़ पे, चिड़िया ने दिया मूत, तेरी माँ की चूत। चलो भाई, कैसे है भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। चीट डे क्यों करते हो तुम इतना? अबे करना चाहिए, जरूरी है भाई। ये क्या जरूरी है पहन के? जरूरी है, मोमोज खा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, जरूरी है। जरूरी होता है भाई करना। क्यों 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 रीजन जैसे तुम स्लिट में भी चेंज करते हो, कभी हैवी मारते हो, कभी लाइट मारते हो, ऐसे चेंज करना चाहिए यार, ये डाइट बॉडी को आदत हो जाती है भाई डाइट खा खा की। तो भाई जितने भी अपने फिटनेस फ्रीक भाई है, ये देखो ये रहा सब, नहीं जाना यहाँ, नहीं जाना आपको, आना है यहाँ पे, मोमोज खाने हैं, ये देखो। किसी को बताना मत, बॉडी ऐसे बनती है। नहीं खाता तू?
यार सामने करते यार, मैंने जामा से तो ये तेरे को अपना कट तो ही नहीं दिखा जो इसकी बंदी काट रही है वो नहीं दिखा इसे अभी अभी काटा है भाई भाई लास्ट चीज है अपनी आज की चीट मिल गई चॉकलेट शेक मजा आ गया भाई पॉपुलर जूस करोल बाग करोल बाग नहीं राजेंद्र नगर में राजेंद्र नगर आप सोच रहे होगे इतना सब क्यों खा रहे हैं देखो भाई 6 दिन मेहनत करते हैं दबा के खाते पीते देख के है तो एक दिन अपने आप को देना बनता है कुछ भी नहीं होगा अब हफ्ते में एक दिन खा के बॉडी बना लोगे हमें पीओसी आती है नहीं तो नहीं खाएंगे तो अब हफ्ते में एक दिन अच्छा खा के बॉडी नहीं बनेगी तो एक दिन खराब खा के भी बॉडी खराब नहीं होगी एंजॉय आज तो भाई 3500 तो एक ही मील में बैठा दिया काम जो डेली इंटेक होता है अब घर से फोन आ रहे हैं दोपहर के 3 बजे के निकले हुए या 2 जिम चले गए थोड़ी देर इसके भाई के घर चिल कर लिया फिर खा पी लिया सब आपने देख लिया अब घर जाके बात करते हैं पहले डैडी से गालियाँ खाएंगे फिर आपसे बात करेंगे वो आप घर पे मिलते हैं हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी।